गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जिले में पुलिस की बेलगाम कार्यशैली। पुलिस विभाग के नामचीन थानों में शुमार भांडर व गोदन थाना अपनी बेलगाम कार्यशैली में बदनाम है। इस बार उनकी कार्यशैली का शिकार हुए हैं भाजपा के पूर्व वरिष्ठ पार्षद एवं एडवोकेट मुकेश यादव। गोदन पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के नाम पर पकड़ा और भांडर पुलिस को सौंप दिया। भांडर पुलिस चली तो उक्त व्यक्ति को दारू के केस में जेल भेज दिया। मामले का खुलासा युवक के परिजनों द्वारा पुलिस वालों से हुई बातचीत में रिकॉर्ड हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कप्तान अमन सिंह राठौर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। भरी जा रही 34-2 झूठी 34-2 लगा रहे तुमने, हमारे रोमेंस पे झूठी लगाई इनने कि नहीं लगाई? बिल्कुल इनने रोमेंस पे झूठी लगावे के बावजूद बच्चे हमारी लड़ाई भई थी दो ही पार्टियों की, हम दो ही पार्टियों पे कायम ही करती आप आपने हमारे संग जो नहीं करो ठीक है कुंद, अब आपने उठा ले आप हमें समझ रहे चूत क्या, हम चूत क्या नहीं है ठीक है। आप हमसे कह रहे जो जात पात संग आप हमें उठा ले में भी बच्चा, हमें तो गलत काम करें तो ऐसी झूठी 34-2 हमें उठा के लगा दीजू कह दीजू, हम जैकि हमारे कनो चीज को जैसे तो हम थाने माने हाथ नहीं है बच्चा के सुनवाई का क्यों होने नहीं है, निर्दोष हमें पता पता दे रहे होगी निर्दोष हम पे फिर कायम ही हो रही ऐसा हमारे संग मतलब कर रहे आपने उठा के दहलो जी साहब को क्या आधार से हम पे दारू धरी और हम सुबह मंत्री जी नो मतलब बंगला पे मंत्री जी यहाँ सुबह नो जा रहे हैं भोपाल शिवराज सिंह को भोरे 181 पूरे डिपार्ट की कर रहा है तुम्हारे गोदन थाने की। प्रिंस यादव गोदन का सवाल है, प्रिंस यादव पुत्र हरिमोहन यादव एक मौजूद व्यक्ति है यादव समाज का, उससे पुरानी रंजिश विजय लोधी जब थाना प्रभारी गोंदन हुआ करते थे तब से मानते हैं। ये सरपंच का चुनाव लड़ रहा था प्रिंस, तो इन्होंने विरोधी पार्टी से मिलकर उस पर शराब का केस लगाया और उसे जेल भेज दिया। जब 2017 में हम लोगों ने उस समय सभी लोगों ने तत्कालीन एसपी रिशाद वली साहब के पास मिले तो उन्होंने इसको तत्काल विजय लोधी को सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया और सीपी चौहान को पदस्थ किया। उसके बाद ये लगातार प्रिंस यादव के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचता रहा गवाह पलटाने के लिए, वो गवाह नहीं पलटा। प्रिंस यादव का छोटा भाई रोविंस यादव जो इंदौर में पीएससी की तैयारी कर रहा था वो अभी आया गाँव, तो इसने विजय लोधी ने अपने थाना प्रभारी मित्र रमेश जाट अभी जो वर्तमान में गोदन में थाना प्रभारी है उनसे कह के उसको दारू के केस में जेल भिजवा दिया। उसको बाद प्रिंस यादव काफ़ी दिनों से अस्वस्थ रहा, घर पे एक महीने से पड़ा था। अभी 10 तारीख को वो दवाई लेने दतिया आया और दतिया से लौट के जा रहा था तो जैसे ही भलका पुलिया पर थाना प्रभारी रमेश जाट गोदन ने रोक कर उससे कहा कि तुम्हारा कोई वारंट है भांडर का और तुम रुक जाओ तो मैं भांडर पुलिस को तलाश है, तो उसने कहा मेरा कोई वारंट नहीं है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर वारंट हो गए तो लॉकडाउन के बाद मैं जमानत करा लूँगा। बोले नहीं आप रुकिए, उसके साथ उसका छोटा भाई और एक जाटअप का लड़का दोनों थे उनको भगा दिया, उसकी मोटरसाइकिल छुड़ा ली और उसको गाड़ी में बिठा के विजय लोधी को फ़ोन करके उसको दे दिया। विजय लोधी ने उसको ले जाके भांडर थाने में 30-30 लीटर की 260 लीटर दारू में रखकर उसको जेल भेज दिया। देखिए आप उस परिवार के साथ कितना अन्याय हो रहा है, उसके माता पिता का इलाज ग्वालियर चल रहा है, छोटा भाई को जेल भेज दिया, उसका भविष्य खराब कर दिया है, छोटे उसको जेल भेज दिया है। अब आप देखिए कि आदमी के न्याय कहाँ मिले, ये विधायक के चमचे ये सब करा रहे हैं गोदन थाना प्रभारी से भांडर थाना प्रभारी से, लेकिन लॉकडाउन दूर हो नहीं है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन लोगों को अपन जवाब देंगे, इनको सबक सिखाएंगे कि न्याय ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आज हम लोग पुलिस अधीक्षक से मिले, पुलिस अधीक्षक जी ने पूर्ण आश्वासन दिया, तत्काल उन्होंने पुलिस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर जी को जांच के आदेश दिए और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम अनुरोध करते हैं पुलिस DGP महोदय और गृह मंत्री महोदय से कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी
थाना भांडर पुलिस ने 10 मई को प्रिंस यादव पुत्र हरिमोहन यादव उम्र 35 वर्ष निवासी गोदन को मोटरसाइकिल से अवैध रूप से शराब ले जाते हुए पकड़ा था। बताना मुनासिब होगा कि यह कहानी तो भांडर पुलिस की है जो उसने FIR के रूप में दर्ज की है, जबकि इस घटना के पीछे की कहानी कुछ और है। इसके पीछे की कहानी पुलिस व परिजनों के बीच हुई बातचीत में रिकॉर्ड हुई है। दरअसल प्रिंस को भांडर थाना पुलिस ने नहीं बल्कि गोदन थाना प्रभारी रमेश जाट ने अपने हमराह फोर्स के साथ पकड़ा था। गृह मंत्री के जिले में पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। पहले TI रत्नेश यादव और अब दो थाना प्रभारियों गोदन के रमेश जाट तथा भांडर के विजय लोधी ने विभाग की छवि को धूमिल किया है। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।